छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र दामाखेड़ा में दीपावली की रात से खड़ा हुआ बखेड़ा खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। मौस फटाके फोड़ने को लेकर उपजा विवाद अब और गहराने लगा है। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कबीर पंथ के अनुयायी दामाखेड़ा पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन भी सतर्कता बरत रहा है। दीपावली रात पटाखे जलाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और आश्रम के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। इस विवाद के बाद पुलिस ने 16 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया था। ग्रामीणों की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। सोमवार को सुबह से ही दामाखेड़ा को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आसपास के जिलों से भी पुलिस के अधिकारी और जवान सैकड़ों की संख्या में बुलाए गए हैं। बलौदा बाजार पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, कलेक्टर दीपक सोनी, SDM सहित जिले के तमाम अधिकारी दामाखेड़ा में ही मौजूद है। क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की क्या यहाँ पे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। आज गुरु साहब का जो है दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और उनके उन्हें कोई दिक्कत ना हो श्रद्धालुओं को दर्शन में, और जो भी कार्यक्रम आश्रम के द्वारा निर्धारित किया गया है उसके लिए सहयोग करते हुए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था लगाई गई है। और सभी जो कार्यक्रम है वो बता रहे हैं कि आफ्टरनून के बाद मतलब शाम के समय होगा और इसी सत्संग स्थल पे ही कार्यक्रम होगा। तो गुरु साहब का आशीर्वाद लेने के लिए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुगमता से दर्शन और आशीर्वाद का लाभ मिल सके इसके लिए पूरी व्यवस्था जी यहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र की आज शुरुआत की जा रही है। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी लगाई गई है। साथ ही पुलिस सहायता केंद्र जो है गुरु साहब के करकमलों से या उनके सुपुत्र जी के करकमलों से जो है उसका अभी उद्घाटन होगा और पुलिस विभाग द्वारा पुलिस सहायता केंद्र भी खोला जा रहा है और बाकी भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई। जिस हिसाब से भीड़ संभावित है उसके लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और आकस्मिक स्थिति से निपटने की भी व्यवस्था की गई है। कितने के बल लगभग 750-800 का डिप्लॉयमेंट है। जैसे कि आपको ज्ञात है दामाखेड़ा कबीर पंथ का मुख्य केंद्र है तो बाबा जी के आह्वान के लोग आए उनका प्रवचन से लेकर अभी सेकंड हाफ में होने का बताया। सहायता केंद्र प्रस्तावित है, आज उसका उद्घाटन प्रस्तावित है, उसकी तैयारी चल रही है।